पुलकित को लेकर मेरे पास आ, मैं बात करूंगी उससे। और अगर पुलकित सर ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो आप देवीताई और पुलकित सर की शादी करवा देंगी काकू? हाँ, अगर पुलकित अपनी बेगुनाही साबित करेगा तो मैं पुलकित और देवयानी की शादी जरूर करवाऊंगी। वेनी, मैं हमेशा से आपको पत्थर दिल समझते आई हूं। कभी जज्बाती हो ही नहीं सकती ऐसा मुझे लगता था, इसलिए आज मैंने पूछा। आपको आपकी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आ रहा? लेकिन अभी देवयानी की हालत देखकर आपको जो तकलीफ हो रही है उससे यह साबित होता है दुनिया की कोई भी औरत कितनी भी पत्थर दिल हो अपने बच्चों का दुख देखकर उनके अंदर की ममता जागी उठती। पुलकित की बेगुनाही साबित होने के बाद पुलकित का ब्याह देवयानी के साथ रचाने का विचार करती है तो मैं आपके साथ हूँ। बस अश्विनी, मौके का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। तो बहनी दुखी है देवयानी को लेकर, वो गम में बहकी बहकी बातें कर रही है, उन्हें रोकने के बजाय उन्हें समझाने के बजाय बढ़ावा दे रही है। निनाद, आज तुम अश्विनी को कुछ नहीं बोलोगे। हमेशा मैं भी तो डांटती आई हूं इसे, लेकिन फिर भी आज ये मेरा साथ सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि इसके दिल में भी देवयानी के लिए वही ममता है जो मेरे दिल में है, शायद मुझसे ज्यादा। अश्विनी, मेरा साथ देने के लिए मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूं। लेकिन विराट का क्या? बहनी, संगीता देशपांडे का लेटर आने के बाद आपने ही उसे जिम्मेदारी सौंपी थी ना कि पुलकित और देवयानी की शादी होनी चाहिए कि नहीं, और विराट ने तो खुद आपको सबूत ला कर दिया है कि पुलकित की शादी संगीता देशपांडे से हो चुकी है, फिर भी आप। वो चिट्ठी झूठी भी तो हो सकती है। वहीनी, प्लीज प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोच तो लेती। वक्त अब दिमाग से सोचने का नहीं, दिल से सोचने का है बाबा। और काकू, दिल से सोच रही है, दिल से फैसला ले रही है अपनी बेटी की भलाई के लिए। देवीताई इस घर की एक लौती बेटी है, आप उनके बड़े काका हैं, उनके बाबा जैसे। और आज इतने सालों बाद जब काकू अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार है, अपनी बेटी की भलाई सोच रहे हैं, तो आप उनका ये फैसला रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं बाबा? ए, क्या चल रहा है? तू होती कौन है दादा से ऐसे बात करने वाली? अच्छा, मैं अब समझी। तो इतना बढ़ चढ़ कर इसलिए बोल रही है ना कि वहीनी अगर तेरे साथ हो गई तो पूरे घर में तेरा रुतबा बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है ना तुझे? रुतबा किसी के साथ से नहीं, आत्मविश्वास से बढ़ता है, जो मेरे पास बहुत है। क्योंकि मैं कभी डरती नहीं सही करने से और सच बोलने से, और इस बार काकू जो कर रही है वो सही है। काकू देवीताई और पुलकित सर के रिश्ते को एक मौका और देने के लिए तैयार हुई है, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। काकू, आपको देवीताई को ये बात बतानी चाहिए कि आप पुलकित सर से मिलना चाहती हैं। मुझे यकीन है ये सुनकर देवीताई की तबीयत में थोड़ा सुधार जरूर होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं देवयानी से बात करती हूँ।
अश्विनी तुम मेरे साथ चलना, शायद तुम्हें देखकर थोड़ी शांत रहेगी। ओंकार जी, मुझे लगता है दिव्यानी का ब्रेन दिमाग मस्तिष्क उतना नहीं हिला जितना वहिनी का हिल चुका है। जिस सास बहू से वो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, उन दोनों को इतना महत्व दे रही है। सही देवी, देखो तो तुम्हारी आई तुमसे कुछ कहना चाहती है। क्या बताने आई है मेरी गंदी आई? ताई, ताई पता है काकू ने मुझसे क्या कहा है? काकू ने मुझसे कहा है कि मैं पुलकित सर को घर बुलाऊं। काकू खुद पुलकित सर से मिलना चाहती है, और अगर इन्हें लगा कि पुलकित सर अच्छे इंसान है, वो आपका ख्याल रखेंगे, तो काकू खुद आपकी और पुलकित सर की शादी करवाएंगी। क्या? आराम से। तू सच कह रही है? सही, आप खुद अपनी आई से पूछ लीजिए। काकू सही सच कह रही है क्या? सही झूठ क्यों बोलेगी देवी, तुम खुद अपनी आई से क्यों नहीं पूछती? आई, आप सच में पुलकित से मिलने वाले हो? ओ मजा बाड़ा, मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जा रही। सही तेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर रही है, तो फिर तेरी माँ होकर मैं तेरे लिए पुलकित को एक मौका नहीं दे सकती? सही, सुना सुना मेरी पुलकित से मिलने वाली है। हाँ, मेरी आई अच्छी आई हो गई है। थैंक यू भाई। सही सही, तू अभी फोन करना पुलकित को और उसको बोल कि आज ही मेरी आई से मिल ले, बोलना। हाँ, मैं पुलकित सर को अभी फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि काकू उनसे आज ही मिलना चाहती है। अरे सही, एक बात बताना भूल गई। हाय। विराट का फोन आता है, तो उसे दिव्यानी के हालात के बारे में मत बताना प्लीज। क्यों आई? वो ट्रेनिंग के लिए गया है, वहाँ पर फिर सब ये बातें दिव्यानी की हालत के बारे में बोलना है तो फिर परेशान हो जाएगा ना बेचारा, उसे क्यों परेशान करना? और अभी तक तो सब ठीक ठाक हो गया है ना, इसके आगे क्या होगा पता नहीं है, लेकिन फिलहाल तो सब ठीक है ना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी विराज। मैं आती हूँ, पानी लेके आती हूँ। पुलकित सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो। हेलो सई, माधुरी बात कर रही हूँ। हाँ माधुरी ताई। पुलकित भाव से तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं, मेरी तो उनसे बात नहीं हुई। मैं तो सुबह से उनका फोन ट्राई कर रही थी लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं।
क्यों, सब ठीक तो है? पता नहीं सही, भाऊ सुबह सुबह एक कोचिंग सेंटर में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने जाते हैं। आज बहुत लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी में वो अपना टिफिन घर पे ही भूल गए, तो मैं उन्हें खाना देने उनके कोचिंग सेंटर गई थी। पर वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि वो वहाँ पे पहुँचे ही नहीं। अभी तो इतना लेट हो गया है। देखो ना भाऊ, अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। वो मेरा भी कॉल सुबह से नहीं उठा रहे हैं और कॉलेज की भी छुट्टियां हैं। सर कहाँ गए होंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आप घबराइए मत ताई, पुलकित सर ठीक ही होंगे। मैं उन्हें दोबारा कॉल करती हूँ और मेरी बात होती है तो मैं आपको बताती हूँ। ओके सही। पुलकित सर कहाँ इतने बिजी हो सकते हैं कि फोन ही नहीं उठा रहे। सही, क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे सही, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है ना? तो फिर परेशानी किस बात की, क्यों परेशान हो? माधुरी ताई का फोन आया था, वो कह रही थी कि पुलकित सर फोन नहीं उठा रहे हैं, ना उनका ना मेरा, और सुबह वो कोचिंग क्लास गए थे वहाँ पे भी नहीं पहुंचे, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? अरे क्या सही, क्यों ऐसा सोच रही हो? पुलकित डॉक्टर है ना, हाँ? तुम्हारे पुलकित सर किसी पेशेंट को देखने गए होंगे या किसी काम में फंस गए होंगे। इंतजार करो, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? दवाई देनी है, आती हूँ, चलो। पुलकित सर को आज ही किसी काम में फंसना था जब काकू उनसे मिलना चाहती है। अरे बस रे, काय को? हाँ काय को ये जल बिन मछली की तरह तड़प रहे? तो पहली बार मिले हैं, इंट्रोडक्शन तो बराबर से होना चाहिए ना। क्या क्या बोलता है तुम लोग अंग्रेजी में वो, माई सेल्फ दादू हदया? ये हाथ भी चलाने से कुछ नहीं होएगा, रस्सी से नहीं बांधा है तेरे को, डायरेक्ट हथकड़ी से बांधा है। क्या बजट मजबूत है अपना, करेक्ट बोला ना? वो भाऊ साहब बराबर बोल ले। देख क्या है भाई, फिल्म हम भी देखते थोड़ा बहुत है ना, अभी तेरे को रस्सी से बांध देता तो ये घने जंगल में तेरे को एक नुकीला पत्थर मिलता, वो पत्थर से तू अपने रस्सी काट लेता फिर भाग जाता, और मैं फिर अपने आदमियों से पूछता है वो डॉक्टर कहाँ भाग गया रे, जाओ पकड़ो उसको। भाई को करने का ये सब है? करेक्ट बोला ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट डोरा भाऊ। कौन हो तुम, क्यों ऐसे पकड़ के रखा है मुझे, क्यों बांधा है मुझे ऐसे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, बोलो जवाब दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे तू क्या बिगाड़ेगा मेरा हैं? ये बिगाड़ेगा कुछ? अरे तेरे से तो फायदा हुआ है मेरे को, 5 लाख रुपया दिया है तेरे को उठाने का, और तू भारी भी नहीं है। करेक्ट बोला ना? बराबर बोला दादू।
5 लाख? मुझे किडनैप करने के लिए कोई 5 लाख क्यों देगा? और आखिर मुझे कोई किडनैप करवाएगा क्यों? बोलो जवाब दो। तेरे सवाल के जवाब का फोन आया। कौन कौन? नहीं समझा ना। अरे तुझे किडनैप कराने वाले क्लाइंट का फोन आया है। कौन है वो? मेरी उससे बात करवाओ, मेरी उससे बात करवाओ। ए पागल है क्या? एक जादूगर अपना सीक्रेट और एक किडनैपर अपने क्लाइंट का नाम कभी नहीं बताता। करेक्ट बोला ना? एकदम सही भाव। पर तू ये फालतू के सवाल मेरे से काय को कर रहे रे? हाँ चुप चुप आ जा। क्या बोलता है तुम लोग अंग्रेजी में वो? एक्सक्यूज मी। काम हो गया दादू? तुमको सांस लेना आता है क्या? ये कैसा सवाल है? हाँ ये उतना ही बकवास सवाल है जितना बकवास सवाल तुमने मुझसे पूछा। पूरा नागपुर को मालूम है दादू कोई काम हाथ में लेता है तो उसको समय से पहले पूरा करके देता है। तुम्हारा पोपट पंछी मेरे पिंजड़े में फड़फड़ा रहा है। इधर तुमको तुम्हारे 5 लाख मिल जाएंगे, 2.5 लाख काम होने के पहले और 2.5 लाख काम होने के बाद, जब उस डॉक्टर से हम लोग का काम निकल जाएगा। मैंने पैसे का बात किया? नहीं किया क्या पैसे का बात? देख क्या है ना, क्या बोलता है तुम लोग अंग्रेजी में? बिजनेसमैन। हाँ बिजनेसमैन है मैं। हाँ अपना धंधा थोड़ा गंदा है पर धंधा तो है ना। हमारे धंधे में पहले उधार फिर नगद। हाँ बाद में कोई नगद देने में आनाकानी करे तो वो निकलवाना हमको आता है, वो भी सूद समेत। हाँ हाँ ठीक है, अब आगे क्या करना है तुम्हें ये सुनो। आ बोलो। बढ़ाया देवयानी से शादी करने वाला। उस जंगली सही को लगता है कि वहनी पुलकित को घर बुलाएंगी, वो आएगा और वहनी चुपचाप देवयानी की शादी उस नौकर के बेटे से करवा देंगी। विराट यहां नहीं है ये एक अच्छी बात है। जब तक विराट अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस आएगा तब तक देवयानी के सर से ये पुलकित का भूत पूरी तरह से उतर गया होगा। सही भाव के बारे में कुछ पता चला क्या? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, पुलकित सर का कोई कॉल बैक ही नहीं आया। आपको कोई उनका वॉइस नोट आया हो, कुछ मैसेज कुछ तो आया होगा? अभी तक तो कुछ नहीं। पता है ताई, आज ना काकू मतलब वो देवी ताई की आई है ना, जो पुलकित सर और देवी ताई की शादी के बहुत खिलाफ थी शुरू से, आज काकू पुलकित सर से खुद मिलना चाहती है और अपनी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट दिन पुलकित सर पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। आपकी उनसे कोई भी बात हो ना, आप उनको जरूर बताइएगा ये सारी बातें और उनको बोलिएगा मुझे फौरन कॉल बैक करें। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि इससे पहले काकू अपना फैसला बदले बल्कि सर वापस आ जाए। अब सच्ची देवयानी की आई भाऊ के मिलने के लिए तैयार हो गई? अब सही तुम्हें पता है भाऊ ने मुझे हमेशा कहते हैं कि अगर इस शादी के कोई सबसे ज्यादा खिलाफ है तो वह है देवयानी की आई। पुलकित सर का कहीं पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित सर को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? मेरे पास वक्त बहुत कम है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.